हेलो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेसिकली दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो हम किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद एक्वायर करते हैं या डेवलप करते हैं ये यूजुअली आफ्टर बर्थ होता है और ये क्योंकि पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद होता है देफोर दिस इज पैथोजन स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिर्फ वर्चिब्रिट्स में प्रेजेंट है यानी फिशेज एंड बर्ड्स एंड मैमल्स एंड रिप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस ये किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में या वैक्सीनेशन में जब हम किसी बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को डिस्टिंग्विश कर सकती है ये रिकॉग्नाइज कर सकती है कि ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं इन्हें डैमेज नहीं करना है और ये हमारी बॉडी के सेल्स नहीं है ये हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स नहीं है और इन्हें हम किस तरह से डैमेज कर सकते हैं सेकेंड इज मेमोरी हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जब इम्यून सिस्टम पहली बार किसी पैथोजिन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप करता है जिसमें हमारे खास तरह के सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स बी लिफोसाइट्स वो कुछ खास तरह के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं दे प्रोड्यूस सर्टेन प्रोटीन्स जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं दीज एंटीबॉडीज़ हेल्प टू किल द पैथोजन एंड दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स नाउ द सेकेंड टाइम जब वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी एक इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स शो करती है जिसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं इस सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं और ये जल्दी बैक्टीरिया को किल करता है अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो इस तरफ हमारे पास टाइम है एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में है हमारे पास एंटीबॉडी कंसनट्रेशन दिस इज़ द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब हमारी बॉडी पहली बार किसी बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आती है तो आप देख सकते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है इट टेक्स मोर टाइम और हमारी बॉडी में इतने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड विल किल द बैक्टीरिया और द एंटीजन जब सेकेंड टाइम हमारी बॉडी एंटीजन या पैथोजन के से एक्सपोज होती है तो हमारी बॉडी बहुत ही क्विकली बहुत ही सारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकती है तो द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज़ फास्टर सो यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ ऑल्सो कि हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो है स्लगिश है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और इट डज नॉट परसिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज़ वेरी पावरफुल इट इज़ प्रोलॉन्ग बहुत देर तक रहता है और इसमें हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं सो एक्वायर इम्यूनिटी को अगर हम फर्दर डिवाइड करें वी केन डिवाइड इन टू इट इंटू एच एम आई एस एंड सी एम आई एस दैट मीन्स ह्यूमरल मीडिएट इम्यून सिस्टम एंड सेलुलर मीडिएट इम्यून सिस्टम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि हमारे बॉडी लिक्विड्स में इम्यून सिस्टम का कौन सा हिस्सा है अक्सर हमारे बॉडी फ्लूड्स जैसे ब्लड प्लाज्मा या लिफ में कुछ खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं जो बैक्टीरिया से फाइट करने में मदद करते हैं सो दीज एंटीबॉडीज़ कंजिस्ट ऑफ द ह्यूमॉरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ये एंटीबॉडीज़ दे आर प्रोड्यूसड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल विच इज नोन एज बी लिम्फोसाइट्स इनको हम इम्यूनोग्लोबिलिन के नाम से भी जानते हैं और इनकी फाइव बेसिक क्लास है इम्यूनोग्लोबिलिन एम्यूनोग्लोबलिन डी इम्यूनोग्लोबिलिन ई इम्यूनोग्लोबिलिन एम एंड इम्यूनोग्लोबलिन जी इम्यूनोग्लोबिन जी सबसे ज़्यादा प्रोवलेंट है हमारी बॉडी में सो so, uh, ये प्रोटीन्स या इम्यूनोग्लोबिन लिन्स या जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं दे फॉर्म द ह्यूमरल इम्यूनिटी बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द द्यूमर और द बॉडी फ्लूड्स जब हमारी बॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल दिस इज पर मान लीजिए कोई एंटीजन है हमारी बॉडी जब किसी एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आती है तो हमारी बॉडी में ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये उस एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आके इस तरह के प्रोटीन यूज़ करते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं ये एंटीबॉडीज़ हमारे बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने में मदद करते हैं हर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें इट हैज़ टू पॉलीपेप्टाइड चेन ये प्रोटीन की चेन्स हैं इसके अलावा इनको हम हैवी चेन्स बोलते हैं इसके अलावा दो चेन साइड में होती हैं जिन्हें हम लाइट चेन्स बोलते हैं और ये दोनों की दोनों चेन्स आपकी डाइसल्फाइड लिंकेजेस के साथ कॉन्टैक्ट होती हैं कनेक्टेड होती हैं इसलिए एंटीबॉडी का फॉर्मूला एच टू एल टू यानी दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स होती हैं इफ यू लुक एट दिस डाइग्राम ये आपकी हैवी चेन है एंड दिस वन इज़ योर लाइट चेन इतना कर हिस्सा आपका वेरिएबल पार्ट है वेरिएबल का मतलब ये एंटीजन पे के साथ साथ चेंज होता है एंटीजन का शेप चेंज होगा तो इस वेरिएबल हिस्से का शेप एंटीजन पर डिपेंड करेगा या पैथोजन पर डिपेंड करेगा ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं दीज आर कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यानी कि एस एस बॉन्ड्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ये दोनों पॉलिप्टाइट चेंज को आपस में कनेक्टेड रखती हैं आप देख सकते हैं वी हैव इम्यूनोग्लोबल जी जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को मारता है इम्यूनोग्लोबलिन एम ये सबसे पहले प्रोड्यूस होता है एंटीजन के कॉन्टैक्ट में ए ये अक्सर म्यूकोजल टिश्यूज़ में प्रेजेंट है इम्यूनोग्लोबलिन डी इसका फंक्शन अननोन है एंड इम्यूनोगोगलोबलिन ई जो एलर्जी के टाइम पे प्रोड्यूस होता है राइट right? और ये जो एंटीजनस हैं ये अक्सर एंटीबॉडीज़ ये अक्सर किसी वायरस को चारों तरफ से घेर लेते हैं इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं वी कॉल इट न्यूट्रलाइजेशन या फिर ये एंटीबॉडीज़ किसी पैथोजन को कवर कर लेते हैं और फिर कोई बैक्टीरिया मैक्रोफेज़ इसको खा जाता है दिस इज़ नोन एज़ ऑप्सोनाइजेशन या फिर ये एंटीबॉडीज़ जब बैक्टीरिया को के साथ अटैच होते हैं तो उसमें छोटे छोटे छेद करते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी कहते हैं इस तरह से ये एंटीबॉडीज़ हमारे बैक्टीरिया को किल करने में मदद करते हैं थैंक यू एंड हैव नाइस डे